आइए आप हमारे साथ। ये श्रृंगारहार है मेरा, इसे पारिजात भी कहते हैं। पारिजात इसीलिए कहते हैं कि इसकी सुगंध बहुत मनमोहक होती है, ठीक है। इसमें बहुत बढ़िया सुगंध होता है, इसकी सुगंध। ये इंद्रलोक का पौधा है, मगर भगवान कृष्ण अपनी रानियों के चाह से इंद्र से लाया था, ये इंद्र देव से मांग के पौधा कि धरती लोक पे दीजिए। ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है, वायरल बैक्टीरियल इन्फ्लामेशंस के लिए ये बहुत ही हद है। इसके पत्ते बड़े खुरखुरे होते हैं और इसमें बहुत सारा तत्व ऐसा होता है जो आपके बैक्टीरियल बाहरी बैक्टीरियल इफेक्ट को समाप्त करता है। ये डिटॉक्सिफायर भी है, ये किडनी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। आज बहुत शुभ दर्शन है। शुभ दर्शन में ये है कि अपराजिता का जो दर्शन आप करेंगे तो अपराजिता में मैं आज अद्भुत अपराजिता का, हालांकि बहुत बार मैंने दर्शन किया है, हमारे यहाँ फूलते हैं चौमुखी दशा भी फूलते हैं। इसके साथ ये ब्लू ब्लू जो देख रहे हैं अपराजिता, देख रहे हैं शिकिला, इसमें ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जोरा एक साथ निकलते हैं, ये बहुत ही अच्छे शुभ होते हैं, शुभ कारक होते हैं। अपराजिता का पौधा वैसे ही नहीं होता, और ये देवतुल अपराजिता है। ये अपराजिता बलवर्धक होता है, और दशमी के दिन इसे हाथों में बाँह में कमर पे बांधने का योग होता है, क्योंकि इससे आपकी बल प्राप्त होती है। ये देखना, ये भृंगराज है, ये ओरिजिनल मेरा भृंगराज है। ये भृंगराज का पौधा है, जिस भृंगराज का तेल आप लगाते हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं, मगर ये भृंगराज है। इसके पत्तों को और तेल में डाल के आप इसे अपने बालों में लगाते हैं तो ओरिजिनल भृंगराज का टेस्ट आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज इसको सब मेरी माँ की पूछ है, सब मेरे माँ के लिए है। इसके ये बहुत कोमल होते हैं, इस पुष्प को अगर आप पहले के इसकी चाय भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा चाय होता है इसका। अरहुल तो मेरा अभी फूल नहीं रहा है, स्वास्थ्य का राज है ये ग्रीनरी, ठीक है। कुछ ये भी फूल तोड़ेंगे, जीवन जीने के लिए है, जीवन धन जगदीश्वर के लिए है। इस भाव को सदैव जीवन में रखना चाहिए, जिससे आप की एक्यूरेसी बनी रहती है। ना किसी काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आज के ज़माने में ये सबसे खराब उतरता है चीज़ें, क्योंकि हर कोई आज आपसे दोस्ती आपके कुछ न कुछ स्वार्थ को लेके ही करते हैं, ये मैंने देखा है जीवन में, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहें जीवन में। बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है।
हमारे यहाँ अभी ब्राह्मणी की कम से कम 5 प्रजाति थे ब्राह्मी। ब्राह्मी एक ऐसा हर्बीय औषधीय प्लांट है जिसकी जितनी बरप्पन की जाए उतना कम है। ये है ब्राह्मी, देख सकते हैं स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न ये चीज़ें हैं। इसे जानते थे कि कलयुग में ब्रह्मा जी की आदमी को बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसी का। ये ब्राह्मी का पत्ता है, शास्त्रों में कहा जाता है इसको, इसके नियमित सेवन से आदमी की वाक सिद्धि तक हो जाती है। देखिए इसमें ये ओरिजिनल प्रजाति है, इसमें व्हाइट कलर के भी लगते हैं फ्लावर्स, ठीक है, व्हाइट कलर के फ्लावर लगते हैं। इससे ये मेमोरी को शार्प करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, वाचन शक्ति को दुरुस्त रखता है, कारगर रखता है, और हमें बहुत सारे सेल्स डिसऑर्डर में भी काम करता है। जैसे कि हमारे कुछ एक्यूमुलेशन होते हैं सेल्स का, जैसे ट्यूमर्स बनाते हैं, उस सब को डिस्ट्रॉय करने में काम करता है, फ्री रेडिकल्स को हटाता है शरीर के अंदर से। ब्राह्मी में ये गुण हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसकी कितनी बड़ाई कर रही है उतना कम है। चलिए आगे और भी आपसे करेंगे, क्योंकि मैं छोटे से हर एक शहर पर थोड़ा सा करता हूँ। ये है सीना लीफ, इसे सीना लीफ कहते हैं, और आपको आपका जाना माना पौधा होता है, ठीक है। इसमें ये देखिए कितने अच्छे आवाज़ है इसकी, देखते हैं इसके अंदर बीज भरे हुए हैं, पके हुए बीज है ना, पक गए हैं। अब इसका वैसे तो आप दाल में भी डाल सकते हैं उसको, ये आपके खाने के प्रयोजन में आता है। बाकी ये सीना लीफ है, इसे क्या आता है कि अगर आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है ना, तो उसमें इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके पाउडर को 10 ग्राम पाउडर गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, अपच की शिकायत नहीं रहेगी। ये इस तरह की चीज़ें हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट बिना विदाउट साइड इफ़ेक्ट ये आपके शरीर में सारी चीज़ों को ठीक करता है, ठीक है। तो ये आज का है, और भी हर्बों से मैं आपको परिचित कराऊंगा, और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। देखिए आज मेरा मिर्च, ये उच्च प्रजाति का मिर्च है, उच्च प्रजाति का, देख रहे ब्लैक ब्लैक मिर्चें हैं, है ना। चलिए इसके साथ साथ आपसे बता लेते हैं, फिर आपसे इस विषय में बात करेंगे, और अपने गार्डन से आपसे हम रूबरू होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।